आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। दूसरे वर्ड्स में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन सभी फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वैसे तो कई सारे फैक्टर्स थे विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेकिन हम कुछ मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। दूसरा फैक्टर इनएडिक्वेट जुडिशियल सिस्टम। तीसरा इनएडिक्वेट लेजिस्लेचर। फोर्थ वन इज स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट। पांचवा इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम पब्लिक, इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम पब्लिक। सिक्स्थ वन इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और लास्ट फैक्टर है टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज वर द रीजंस बिहाइंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, ओके, चलिए एक एक करके इन सभी फैक्टर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो है कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट। देखो ये जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था वो डेवलप होता है 19th और 20th सेंचुरी के अराउंड। तो आप लिखोगे कंसेप्ट ऑफ, पॉइंट में आप लिखोगे कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट वॉज डेवलप्ड अराउंड 19th एंड 20th सेंचुरी। और इस वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के अनुसार जो स्टेट है उसका ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो लोगों के, अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम करें, राइट। तो आगे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लिखो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज टू एंश्योर पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज। और स्टेट के जो भी पॉलिसीज होने चाहिए वो टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ पीपल होना चाहिए। तो आगे आप लिखोगे ईच एंड एवरी पॉलिसी ऑफ स्टेट शुड एम एट वेलफेयर ऑफ पीपल। अपने इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के दौरान स्टेट को कई सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़े, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़े। और इसके रिस्पॉन्स में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप किया, हमने एक सेपरेट ब्रांच ऑफ लॉ विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसे डेवलप किया इन सॉल्यूशन ऑफ दिस बेसिक प्रॉब्लम। तो आगे आप लिखोगे ईच एंड एवरी पॉलिसी ऑफ स्टेट शुड एम एट मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ पीपल। आगे लिखोगे स्टेट फेस्ड सेवरल प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस व्हाइल फुलफिलिंग दिस ऑब्जेक्टिव एंड एज अ रिजल्ट वी डेवलप्ड अ सेपरेट
ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ, हमने एक सेपरेट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ डेवलप किया विच इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है, ओके. तो ये पहला रीजन था कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट. क्लियर, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं. इनएडिक्वेट जुडिशियल सिस्टम. Inadequate judicial system. देखो हमारा जो जुडिशरी था बहुत स्लो, कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स, फॉर्मलिस्टिक, inadequate. ठीक है, ओके. और देर वर ओवर बर्डनिंग ऑफ केसेस ऑन द जुडिशरी. हमारे जुडिशरी के ऊपर क्या था, ओवर बर्डनिंग ऑफ केसेस था, जिसके वजह से क्विक एंड स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ केसेस वर नॉट पॉसिबल. क्विक और इजी रेजोल्यूशन ऑफ केसेस पॉसिबल नहीं थे. एक केस को सॉल्व करने में सालों लग जाते थे. जो भी डिस्प्यूट्स अराइज हुआ करते थे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के बीच, उन डिस्प्यूट्स को तुरंत रिजॉल्व नहीं किया जा सकता था. तो ऐसे सिचुएशन में हमने सेपरेट लेबर कोर्ट्स, सेपरेट ट्रिब्यूनल्स डेवलप किया और उन्हें जुडिशियल पावर्स दिया टू डिस्पोज ऑफ दैट केसेस. तो इस तरह से हमारे पास एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आता है और इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलपमेंट होता है. राइट, तो इसमें आप लिखोगे कि जुडिशरी बहुत स्लो, कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स, फॉर्मलिस्टिक एंड इनएडिक्वेट. फिर आप लिखोगे ओवर बर्डनिंग ऑफ केसेस. ओवर यहां लिखो ड्यू टू ओवर बर्डनिंग ऑफ केसेस ऑन जुडिशरी. Quick and speedy disposal of cases. Quick and speedy disposal of cases were not possible. Possible nahi tha. Disputes between, aage aap likhoge, employers and employees were not settled quickly, which resulted in strikes and lockouts. Right, तो speedy disposal of cases possible नहीं था. Right, जिसके वजह से employees क्या करने लगे, strikes, lockouts करने लगे. तो ऐसे में we developed, हमने develop किया अलग labor courts, अलग tribunals, जो इन matters को देखे और इस तरीके से हमने एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकंड मेजर रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. ठीक है, ओके. तो आगे आप निकलोगे टू सॉल्व दिस बेसिक प्रॉब्लम, सेपरेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एंड लेबर कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड एंड दीज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज वर प्रोवाइडेड विथ जुडिशियल पावर्स. ठीक है, ओके. तीसरा मेन रीजन क्या था, inadequate legislation. Third factor, inadequate legislation. देखो ऑलरेडी हमारे लेजिस्लेचर के पास वर्क था कि वो उन मैटर्स जो कि नेशनल इंटरेस्ट के हैं उनमें, उनके लिए पहले क्या करे, लॉज बनाए. लेजिस्लेचर हैविंग नो पावर टू मेक लॉज ऑन डे टू डे नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों के डे टू डे नीड्स के ऊपर लॉज बनाने के लिए लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं था. राइट, और जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट करता था लेजिस्लेचर वो टाइम टेकिंग था. तो इस चीज़ को देखते हुए
हमने क्या किया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ किया गया। लेजिस्लेचर ने अपने रूल मेकिंग पावर्स को डेलीगेट कर दिया सबऑर्डिनेट्स को, और इस तरीके से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को पावर दिया कि वो लोगों के डे टू डे नीड्स को समझें और लॉज बनाएं, राइट? ओके, तो इन एडेक्वेट लेजिस्लेशन, इसमें आप लिखोगे देर आर मैनी मैटर्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट विच आर नीडेड टू बी रिजॉल्व क्विकली। कई सारे मैटर्स हैं नेशनल इंटरेस्ट के जिन्हें तुरंत सॉल्व करना है और जिनके लिए हमें तुरंत लॉज बनाने हैं। लेजिस्लेचर हैज नो टाइम टू लेजिस्लेट अपॉन डे टू डे नीड्स ऑफ द पीपल। आगे आप लिखोगे प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय लेजिस्लेचर इज कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम टेकिंग। ऑल दीज रिजल्टेड इन द डेलीगेशन ऑफ पावर टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, राइट? तो तीसरा रीजन क्या है, इनएडिक्वेट लेजिस्लेचर। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट, स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट, स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंट। देखो हम जानते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नॉट कोडिफाइड लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, इसका मतलब ये है कि वी आर हैविंग द अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम इस लॉ में टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशंस कर सकें, राइट? तो आगे आप लिखोगे देयर इज स्कोप ऑफ, देयर इज स्कोप ऑफ मॉडिफाइंग इट एज पर नीड ऑफ, एज पर नीड ऑफ स्टेट मैकेनिज्म, एज पर नीड ऑफ स्टेट मैकेनिज्म। इट इज फ्लेक्सिबल, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है एंड रिजिड और कॉम्प्लिकेटेड। प्रोसीजर अडॉप्टेड बाई लेजिस्लेचर need not be followed, ठीक है? तो इसलिए हमने क्या किया, हमने रूल मेकिंग पावर्स को डेलीगेट कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ व्हिच इज नॉट अ कोडिफाइड लॉ, जो कि क्या है, कोडिफाइड लॉ नहीं है, राइट? तो फोर्थ रीजन हो गया। पांचवा है हमारा इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम पब्लिक। राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बोल रहा हूं इसलिए, ठीक है, आप सुन के लिखो। देखो ऐसे कम ही चैनल हैं जो आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ नोट्स भी बनवाते हो, तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंगेजमेंट बढ़ाइए। चलिए फिफ्थ वन क्या है, इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम द पब्लिक, इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम द पब्लिक। इसमें क्या था, देखो देयर वॉज द इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम द पब्लिक, और पब्लिक ने कहा कि केवल आप हमारे राइट्स को डिफाइन ना करो बल्कि हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करो, राइट? तो इसमें आप लिखोगे देयर वॉज इंक्रीजिंग डिमांड, there was increasing demand from the public, because mere defining rights of citizens is not sufficient. State needs to solve the public problems, और public के इसी problems को solve करने के लिए we developed a separate branch of public law which is known as administrative law, और
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है, एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को गवर्न करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के एक्शंस को गवर्न करता है, उनके एक्शंस के ऊपर कंट्रोल रखने का काम करता है, टू एंश्योर दैट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो अपने डिस्क्रिशनरी पावर को आर्बिट्रेरी पावर में ना कन्वर्ट कर सके, टू एंश्योर दैट लोगों के फंडामेंटल राइट्स ब्रीच ना हो। ठीक है, ओके। छठवां फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वॉज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हम जानते हैं कि वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो लेजिस्लेचर के ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि लेजिस्लेचर को ऐसे लॉज बनाने हैं जो वेरियस नीड्स ऑफ पीपल को सेटिस्फाई करता हो। डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, डिफरेंट नीड्स होता है, तो इट इज़ ड्यूटी ऑफ स्टेट कि वो ऐसे लॉज बनाए जो कि क्या हो, लोगों के नीड, लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखता हो। तो आप कह सकते हो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इट क्रिएटेड बर्डन ऑन लेजिस्लेचर प्रोसेस। To implement various laws for the various needs of for to meet the various needs of growing population. अब देखो, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होते हैं वो पब्लिक से डायरेक्ट टच में होते हैं, तो दे हैविंग द बेटर नॉलेज, उनके पास बेटर नॉलेज होता है अकॉर्डिंग टू पब्लिक नीड, अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट, हमें किन लॉज को, किन रूल्स को बनाने चाहिए। तो इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक अपॉर्चुनिटी की तरह नज़र आता है, राइट। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइट। लास्ट वन है हमारा टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव प्रूफ होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट, राइट। तो लास्ट आप लिख लो, टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। देखो इसमें क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को ये पावर दिया गया कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स उठा सकती हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग हो गया, रेट फिक्सिंग हो गया, और वो इन प्रिवेंटिव मेजर्स के एनफोर्समेंट के लिए इफेक्टिव मेजर्स भी उठा सकती हैं, जैसे सस्पेंशन, रिवोकेशन, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस एक्सेट्राज, बिकॉज इट हैज बीन सीन इन मोस्ट ऑफ द टाइम कि प्रिवेंटिव मेजर्स प्रूव्ड टू बी मोर इफेक्टिव। प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है रदर देन पनिशिंग, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को पनिश करते हो तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स उठाते हो, राइट, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। तो इसमें आप लिखोगे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कैन टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज can take preventive measures like licensing, rate fixing, ठीक है, and may take, ये जो administrative authorities हैं they may take
इफेक्टिव मेजर्स, इफेक्टिव मेजर्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लाइक, यहां लिखोगे लाइक सस्पेंशन, ठीक है, जैसे कि सस्पेंशन हो गया, रिवोकेशन हो गया, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस हो गया, क्योंकि ये देखा गया है कि प्रिवेंटिव मेजर्स प्रूव्ड टू बी मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट्स, राइट, ओके। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डेवलप किया और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को पावर दिया कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन, रिवोकेशन, इन सभी प्रिवेंटिव मेजर्स को उठा सकते हैं रादर देन पनिशिंग द ऑफेंडर्स, ठीक है, ओके। तो ये कुछ रीजंस थे विच लेड टू द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो आई होप कि ये 7 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।